दोस्तों, आज से 15-20 दिन पहले बिहार के मुंगेर जिले से एक काफी चौंकाने वाली खबर सामने आई थी, जिसमें 18 वर्षीय एक युवक जिसका नाम मिथिलेश मांझी बताया जाता है, वो कोई नॉर्मल पुलिस के कांस्टेबल या दरोगा के वर्दी में नहीं, बल्कि सीधे जो पुलिस का सबसे टॉप रैंक होता है आईपीएस ऑफिसर के वर्दी में विद पिस्टल, वो सड़क पर घूमते पाया गया था। और जांच क्रम में जब वहां पे असली पुलिस गश्ती कर रही थी, वहां पे उसने देखा कि एक 18 वर्षीय लड़का जो कि एक आईपीएस के पुलिस यूनिफॉर्म में है, तो वो भी काफ़ी ज़्यादा चौंक गए थे और उसे जो है त्वरित तौर पे जो है उसे उठा लिया गया था, उसे थाने ले जाया गया, पूछताछ की गई, फिर पता चला कि उसके साथ ठगी हो चुकी है। किसी ने 2 लाख रुपये लेकर जो है उस एक भोले भाले लड़के को बेवकूफ़ बनाया, किसी ने उसे झांसा दिया था कि 2 लाख रुपए पे उसे पुलिस में जो है भर्ती करवा दी जाएगी। हालांकि ठगों ने जो है उसे सीधे आईपीएस का वर्दी पकड़ा दिया, जहां पे जो है ये लड़का पकड़ा गया। खैर, चूंकि उसने पुलिस की वर्दी में कुछ गलत काम नहीं किया था, ना ही किसी को डराया धमकाया था, ना ही पुलिस की वर्दी में खुद को असली पुलिस का रुतबा दिखाकर किसी से अवैध वसूली की थी, तो इस बिना पे जो है पुलिस ने केवल पूछताछ करके उसे छोड़ दिया, क्योंकि ये कोई जुर्म नहीं है। अक्सर आपने देखा होगा कि फिल्मों में कभी सलमान खान, कभी अजय देवगन पुलिस की वर्दी में होते हैं, आईपीएस की वर्दी में होते हैं, तो अगर पुलिस की वर्दी पहनना ही कोई अपराध होता तो कब का जो है अजय देवगन, सिंघम, ये सब जेल में होते। तो खैर, चौंकाने वाली बात यहाँ पे दोस्तों ये है कि किस तरीके से बिहार की मिट्टी में ही आपदा को अवसर में बदलने का एक कह सकते हैं जुनून है, एक स्किल है, एक टैलेंट है, और उसी आपदा और उसी आपदा को अवसर में बदलने का यहाँ पे जो है मिथिलेश मांझी ने जो है यहाँ पे काफ़ी शानदार तरीके से प्रयोग किया है, और जिसके कारण उसकी बदनामी हुई थी, जिसके कारण जो है एक वो नेशनल सेंसेशन बना था, मीडिया में हर जगह उसके चर्चे हो रहे थे, इसने उसी बदनामी को अपना एक हथियार बनाकर अब वो यूट्यूब पे धमाल मचा रहा है। जी हाँ दोस्तों, उसने यूट्यूब के एल्गोरिदम को समझ लिया, क्योंकि यूट्यूब का एल्गोरिदम ऐसा है कि जो इंसान किसी और क्षेत्र में अगर वो पॉपुलर होता है तो उसको पहले ही वीडियो से उसको प्रमोट करना शुरू कर देता है। अगर नॉर्मल इंसान जो कभी पॉपुलर नहीं है या फिर उसका उतना फेस वैल्यू नहीं है, तो उसको जो है यूट्यूब पे ग्रो करने के लिए काफ़ी स्ट्रगल करना पड़ता है, पेशेंस रखना होता है, बहुत सारे वीडियोस बनाने के बाद, बहुत सारा स्ट्रगल करने के बाद ही उसको एक पहचान मिल पाती है। लेकिन चूंकि ये 18 वर्षीय मिथिलेश मांझी जो है हाल के दिनों में काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर हो चुका था, उसका एक फेस वैल्यू बन चुका था, तो जैसे ही किसी पर्सन का पहले से ही फेस वैल्यू बना हुआ है तो यूट्यूब के एल्गोरिदम उसको समझ जाता है, उसको पकड़ लेता है और उसको पहले दिन से ही उसके पहले वीडियो को ही बिल्कुल रॉकेट की तरह भगाना शुरू कर देता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पे मिथिलेश मांझी ने जो है वायरल आईपीएस मिथिलेश नाम से अपना एक चैनल बना लिया, क्योंकि वो समझता था, वो जानता था कि मैं पॉपुलर हो चुका हूँ, भले ही वो एक फर्जी आईपीएस था, लेकिन उसकी पहचान और उसका पॉपुलरिटी एक असली आईपीएस से भी ज़्यादा हो चुकी है। ऐसे में यूट्यूबर बनना जो एक आम इंसान का सपना होता है, ये राह जो कि बहुत मुश्किलों भरा होता है, उसके लिए काफ़ी आसान रहा। और दोस्तों यहाँ पे लगभग 10 दिनों के अंदर ही आप देख सकते हो लगभग 17 से 18 हज़ार सब्सक्राइबर पूरे हो चुके हैं, सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे 2-2 मिनट के छोटे छोटे क्लिप का वीडियो, जिस वीडियो में कोई क्वालिटी नहीं है, कोई क्वांटिटी नहीं है, और जिस वीडियो से कोई मतलब भी नहीं है, ना ही उसमें कुछ ऐसा इन्फॉर्मेशन है, ना ही कुछ वो वीडियो कुछ ऐसा कुछ खास है, वो नॉर्मल केवल छोटे छोटे क्लिप्स डाल के ही यूट्यूब के एल्गोरिदम को समझ कर जो है वो यहाँ पे ग्रो कर रहा है, और मेरे ख्याल से उसका चैनल अब मोनेटाइज भी हो चुका होगा। और अगर इसी रफ्तार से ये आगे बढ़ता रहा, जिस रफ्तार से इसका चैनल ग्रो हो रहा है, तो आने वाले समय में जो इसकी यूट्यूब से जो अर्निंग होगी ये एक आईपीएस की सैलरी से भी ज़्यादा होगी। नॉर्मली क्या होता है कि एक आईपीएस का जो स्टार्टिंग सैलरी होती है लगभग 55 से 60 हज़ार के बीच में होती है, ये ऑफिशियल सैलरी बोल रहा हूँ मैं, ये ऊपर की आमदनी नहीं बोल रहा हूँ। तो यहाँ पे जो है इस मिथिलेश मांझी का जो यूट्यूब से अर्निंग आएगा वो एक ऑफिशियली एक आईपीएस की सैलरी से भी ज़्यादा आने वाला है, क्योंकि जिस रफ्तार से इसके व्यूज़ आ रहे हैं, जिस रफ्तार से इसके सब्सक्राइबर्स बढ़ रहे हैं, ये अब आने वाले समय में यूट्यूब पे काफ़ी अच्छा ग्रो करने वाला है। और अगर इसी तरीके से ये अपने कंटेंट में और सुधार लाता गया, ठीक है, अपने वीडियो की क्वालिटी अगर और सुधार लाया, तो ये एक अच्छा एक ब्लॉगर बन सकता है, जैसे कि आपने देखा होगा सौरभ जोशी ब्लॉग्स, तो उसी तरीके से अब चूंकि ये सौरभ जोशी से भी ज़्यादा पॉपुलर हो चुका है, ये सिर्फ बिहार में नहीं पूरे इंडिया में लगभग हर जगह इसकी पहचान
हो चुकी है, एक सेलिब्रिटी बन चुका है, इसका जो है भोजपुरी में एक गाना भी लॉन्च हो चुका है। तो दोस्तों अगर आपके पास भी कोई एक्सक्यूज़ है ना, आपके पास भी अगर कोई बहाना है यार कि मेरे पास तो कोई टैलेंट है ही नहीं, मेरे पास तो कोई स्किल है ही नहीं, मुझे तो कुछ आता ही नहीं है, और इस कारण से अगर आप YouTube पे नहीं आ रहे हो ना, तो आपको कम से कम इस 18 साल के लड़का जो कि अभी फिलहाल 10वीं पास है, सिर्फ और सिर्फ 10वीं पास है, अब अभी बिहार बोर्ड से 10वीं लोग कैसे पास करते हैं ये आप भी जानते हो। तो एक तरीके से ये लड़का जो नॉर्मल एक 10वीं पास है, ये YouTube पे ऐसा ग्रो कर सकता है, ये इस तरीके से अपना एक फेस वैल्यू बना सकता है। आप तो कम से कम पढ़े लिखे हो, आपके पास तो इतना नॉलेज है, आपके पास एक अच्छा फ़ोन है जिसकी वीडियो क्वालिटी अच्छी आ सकती है। तो अगर आप सोचते सोचते 2022 से 2023 में और 2023 से 2024 में आ गए, अभी तक अगर आपने अपना चैनल शुरू नहीं किया तो अब 2024 भी ख़त्म होकर अब 2 महीने बाद 2025 भी शुरू होने वाला है। तो आप जितना लेट कर रहे हो, ठीक है, उस बीच में ना जाने और कितने मिथिलेश मांझी आएंगे और वो सारा पॉपुलैरिटी लेकर चले जाएंगे, वो सारा नेम और फेम लेकर चले जाएंगे, और आप केवल सोचते ही रह जाओगे कि आप मुझे भी YouTube पे आना है, मुझे भी एक ऐसा सिल्वर बटन चाहिए, मुझे भी YouTube पे ग्रो करना है। सो गाइस, ये वीडियो उन सभी लोगों के लिए था जो मुझे कमेंट्स देखने को मिलते हैं। मुझे डेली ऐसे बहुत सारे DMs आते हैं कि सर मैं भी एक यूट्यूबर बनना चाहता हूँ, ठीक है, मैं भी अपना एक फेस वैल्यू बनाना चाहता हूँ, मैं भी नेम और फेम चाहता हूँ, मुझे भी बहुत सारी अर्निंग करनी है यूट्यूब से, लेकिन क्या कंटेंट लाऊँ, किस टॉपिक पे वीडियो बनाऊँ, ये मुझे समझ नहीं आ रहा है। तो एटलीस्ट गाइज, तुम ऐसे एक्सक्यूज़ बनाने से बेहतर है कि एक बार ये वायरल IPS मिथिलेश का वीडियो देख लो, तो वहाँ से तुमको आइडिया मिल जाएगा कि एक वैसा लड़का एक नॉर्मल गांव से उठकर इतना कम पढ़ा लिखा होने के बावजूद जो है वो वीडियोस बना रहा है, वो स्ट्रगल कर रहा है, तो आप क्यों नहीं कर सकते हो, ठीक है। तो एक्सक्यूजेस देना छोड़ो, आज ही अपना चैनल क्रिएट करो, आज ही वीडियो बनाना शुरू करो। मेरे बहुत सारे ऐसे फ्रेंड्स हैं जो यूट्यूब पर आना चाहते हैं, लेकिन वो अब उनके पास कुछ ऐसा समझ ही नहीं आता कि यार मैं किस टॉपिक वीडियो बनाऊं। तो कम से कम यहां से इंस्पिरेशन लो, आज ही अपना चैनल बनाओ, ताकि 2025 जो कि 2 महीने बाद अब आने वाला है, वहां पे तुम इस अफसोस के साथ मत जाओ कि लास्ट 2-3 सालों से मैं सोच रहा हूं लेकिन अभी तक मैं अपना चैनल नहीं बना पाया। 2025 में एक मोटिवेशन के साथ जाओ, 2025 में एक इंस्पिरेशन के साथ जाओ, 2025 में कॉन्फिडेंस के साथ जाओ कि नहीं, मेरा भी यूट्यूब चैनल है, मुझे भी यहाँ पे ग्रोथ चाहिए, मुझे भी कंटेंट देना है, और आने वाले समय में मुझे भी नेम और फेम कमाना है। सो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। आशा और उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो जो है आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंस्पायरिंग रहा हो, काफ़ी ज़्यादा मोटिवेशन रहा हो, और आप बिल्कुल भी डिले नहीं करेंगे और आप आज ही अपना चैनल बनाएंगे और मुझे कमेंट बॉक्स में अपने चैनल का लिंक शेयर करेंगे। और अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, नोटिफिकेशन बेल ऑन कर दीजिएगा, ताकि अगली बार जब मैं कोई ऐसा ही लेटेस्ट और एक मोटिवेशन से भरा, आपके लिए एक कॉन्फिडेंस से भरा एक वीडियो लेकर आऊँ, तो आप उसे मिस ना कर सकें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। जय हिंद।